प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सब्जेक्ट जिसको हम देसी कहते हैं, दूसरा प्रेडिकेट जिसे विधेय कहा जाता है। सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग विच वी इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द पर्सन और थिंग विच वी इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मान लीजिए हम कोई बात कह रहे हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लेते हैं जिसके बारे में हम कोई बात कहने जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले हम उस व्यक्ति अथवा वस्तु का परिचय कराते हैं जिसके बारे में कोई बात हम कहने जा रहे हैं। तो द पर्सन आर थिंग विच वी इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसमें हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लेते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के संबंध में जो बातें कही जाती हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे सुरेश राइट्स ए लेटर, सुरेश एक पत्र लिखता है। इसमें जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सुरेश, तो सुरेश सब्जेक्ट है। क्या कह रहे हैं, राइट्स ए लेटर, पत्र लिख रहा है, तो ये राइट्स और ए लेटर के पूरा भाग प्रेडिकेट है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्मोकिंग धूम्रपान सब्जेक्ट है। क्या बात कर रहे हैं, इज बैड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए बुरा है या नुकसानदायक है। थर्ड एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है। क्या बात कर रहे हैं, स्काई आकाश में उड़ती हैं, तो ये पूरा भाग प्रेडिकेट है। तो वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लिया जाता है, सब्जेक्ट कराया जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के कितने भाग हो सकते हैं से हम देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। क्वालिफायर विशेषता बताने वाले शब्द, हेड वर्ड यह मुख्यकर्ता होता है और मुख्य रूप से नाउन आता है अथवा प्रोनाउन आता है। यदि नाउन आएगा तो उसके साथ क्वालिफायर्स का आना संभावी होता है, प्रोनाउन के साथ ये क्वालिफायर्स यूज नहीं होते हैं। तो सब्जेक्ट के मुख्य दो भाग होते हैं, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। क्वालिफायर विशेषता बताने वाले शब्द, हेडवर्ड नाउन या संज्ञा। हेडवर्ड को पूरे तीन, क्वालिफायर को पूरे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है डिटरमिनर, दूसरा है एडजेक्टिव और तीसरा है एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमिनर जिसको हम निर्धारक कह सकते हैं, यह आर्टिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। यह मुख्य रूप से आर्टिकल्स या कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो वाक्य के आरंभ में नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। एडजेक्टिव विशेषण, इसके बारे में हम पहले से परिचित हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यहां पर जो विशेषण आता है यह मुख्य रूप से उस विशेषण की बात हो रही है जो हेडवर्ड से पहले आता है, उस नाउन से पहले आता है, एडवर्ब से पहले आता है जिसकी यह विशेषता बताता है। एडजेक्टिवल फ्रेज यह शब्द समूह होता है जो विशेषण का काम करता है और यह जो है हेडवर्ड के बाद प्रयुक्त होता है। इसे देखें, सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग हैं, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। क्वालिफायर की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और हेडवर्ड वो नाउन होता है। हेडवर्ड क्वालिफायर को पूरे तीन भागों में बांटा जा सकता है, डिटरमिनर एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमिनर यह हेडवर्ड से पहले प्रयुक्त होता है,
मुख्य रूप से आर्टिकल्स ए एंड दी अथवा कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव विशेषण या हेडवर्ड से पहले प्रयुक्त होता है उसकी विशेषता बताने के लिए। एडजेक्टिवल फ्रेज यह शब्द समूह होते हैं जो हेडवर्ड के बाद प्रयुक्त होते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए। जैसे पहला एग्जांपल है इग्नोर रीड्स, इसमें जो सब्जेक्ट पार्ट है वो है आपका ये सब्जेक्ट पार्ट। किसके बारे में बात हो रही है? इग्नोर के बारे में, क्यूटी के बारे में। दैट इज सब्जेक्ट। क्या करती है? रीड्स, पढ़ती है। ये आपका प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट पार्ट में हम देखें तो दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक है ए और एक है गर्ल। ए आर्टिकल है जिसको हम क्वालिफायर कह सकते हैं, क्वालिफायर, और क्वालिफायर में हम डिटरमिनर कह सकते हैं, क्वालिफायर में डिटरमिनर बोल सकते हैं इसको, डिटरमिनर। और गर्ल है हेडवर्ड जो कि एक नाम है। पहला एग्जांपल है गर्ल रीड्स, इसमें सब्जेक्ट पार्ट है गर्ल और रीड्स प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, ए और गर्ल। ए डिटरमिनर है, एक्चुअली आर्टिकल है, और गर्ल हेडवर्ड है जो नाउन है। दूसरे एग्जांपल में एन एलिफेंट डांसेस, हाथी नाचता है। एन एलिफेंट इसमें सब्जेक्ट है और डांसेस प्रेडिकेट है, इसमें भी दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये है आपका डिटरमिनर और ये है आपका हेडवर्ड। हेडवर्ड जैसे भी नोट करते हैं, एलिफेंट डांस इसमें दो शब्द है, एन जो डिटरमिनर है और एलिफेंट आपका हेडवर्ड है जो चुनमिन नाउन है। तीसरा है द बॉय इन द कॉर्नर इज रीडिंग। अब यहां पर द बॉय इन द कॉर्नर ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, इस क्रिया को लेकर के उसके वाक्य का जो भाग होता है वो प्रेडिकेट होता है, तो इस को इंक्लूड करते हुए रीडिंग द रामायण ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है पूरी बात। अब हम सब्जेक्ट पार्ट को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसके पहले सब्जेक्ट पार्ट में केवल दो शब्दों का प्रयोग हुआ था, इसके बाद के सब्जेक्ट पार्ट में अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम हेडवर्ड को चूज करते हैं, बॉय ये आपका हेडवर्ड है। हेडवर्ड से पहले एक शब्द प्रयुक्त हुआ है दी जो कि डिटरमिनर है और उसमें आर्टिकल है। इन द कॉर्नर ये जो पूरा वाक्यांश है शब्द समूह है ये है एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है जिसका प्रयोग इस नाउन की विशेषता बताने के लिए आया हुआ है। द बॉय इन द कॉर्नर इज रीडिंग द रामायण, कोने में बैठा हुआ लड़का रामायण पढ़ रहा है। चौथा है दोज न्यू डॉग्स टॉक्स, किसके बारे में बात हो रही है? दोज न्यू डॉग्स ये हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट, टॉक्स ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। अब सब्जेक्ट पार्ट में देखिए तीन शब्दों का प्रयोग है, दोज न्यू डॉग्स, तो इसमें दोज ये आपका डिटरमिनर है, न्यू ये आपका एडजेक्टिव है और डॉल्स ये आपका हेडवर्ड है। दोज न्यू डॉल्स टॉक्स, दोज न्यू डॉल ये सब्जेक्ट पार्ट है, तीन शब्दों का प्रयोग है, पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा हेडवर्ड। आइए देखते हैं सम नॉटी गर्ल्स स्क्वायर एंड, इसमें सम नॉटी गर्ल्स ये आपका है सब्जेक्ट, स्क्वायर एंड ये आपका है प्रेडिकेट। कुछ शरारती लड़कियां झगड़ गई या झगड़ा कर ली, तो सम नॉटी गर्ल्स सब्जेक्ट पार्ट को लेकर तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है, पहला है सम जो कि आपका डिटरमिनर है, नॉटी शरारती ये आपका एडजेक्टिव है और गर्ल ये आपका हेडवर्ड है। अंतिम उदाहरण है दिस यंग बॉय वर्न इज वाइज, यहां पर हम डिवाइड करें तो सब्जेक्ट है दिस यंग बॉय इन द ये पूरे का पूरा भाग आपका सब्जेक्ट है और इज वाइज ये आपका प्रेडिकेट है। अब हम सब्जेक्ट पार्ट में देखें तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें हेडवर्ड को अगर हम खोजें तो है वाइज जो कि
एक वर्ड है जो कि नाउन है, उसके पहले दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं दिस, ये आपका डिटर्मिनर है, यंग एडजेक्टिव है, वाई आपका हेडवर्ड हो गया। इसके बाद शब्दों का समूह इन द रूम, ये जो बच रहा है ये आपका है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो लास्ट वाले एग्जांपल में दिस यंग बॉय इन द रूम इज वाइज, इसमें जो सब्जेक्ट पार्ट है दिस यंग बॉय इन द रूम, ये सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट को हम थोड़ा सा डिवाइड करें तो वॉइस में हेडवर्ड है, वॉइस से पहले दो शब्दों का प्रयोग हुआ है दिस और यंग, दिस इसमें डिटरमिनर है, यंग एडजेक्टिव है, वॉइस हेडवर्ड है, और उसके बाद इन द रूम ये जो समूह है शब्दों का ये एडजेक्टिवल फ्रेज है जो इसी नाउन वॉइस की विशेषता बताने के लिए आया हुआ है। पूरा तो देखिए दिस यंग बॉय इन द रूम इज वॉइस, कमरे में यह युवा लड़का बुद्धिमान है, कमरे में यह युवा लड़का जो है वो बुद्धिमान है। इस प्रकार से हमने सब्जेक्ट पार्ट को अध्ययन किया, आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।